हेलो सो मेरा विजय सो ये मेरे पास में ऑनर का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता ऑनर पैड 8 जो कि एक 12 इंचेस की मैसिव डिस्प्ले वाला एंड्रॉइड टैबलेट है। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 इंडियन रुपीस की प्राइस रेंज के साथ में आ जाता है फॉर द 128GB स्टोरेज ऑप्शन। इस वाले टैबलेट को दोस्तों वैसे मैं दुबई से रिव्यू कर रहा हूँ एंड ऑल्सो दिस इज माई फर्स्ट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ एनी टैबलेट आउट देयर, सो विश मी लक एंड हैविंग सेड दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ऑनर पैड 8 की डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक 12 इंचेस का बड़ा टैबलेट है, ये वेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 520 ग्राम्स का और जो थिकनेस निकल के आ रही है वो सिर्फ 6.9 मिलीमीटर्स की निकल के आ रही है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कितना ज्यादा स्लिम लग रहा है एक 12 इंचेस के डिवाइस के लिए दोस्तों। मतलब ये जो वेट है वो बहुत सही है। आप इमेजिन करिए एक 13.3 इंच का लैपटॉप जो कि अराउंड 1.4 टू 1.5 किलोग्राम्स के वेट के साथ में आता है, ऐसे में आप एक टैबलेट होल्ड करते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेम स्क्रीन साइज का है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेट मैनेजमेंट करके लेके आ जाता है जहाँ पे आपको यूज करने में काफी कंफर्टेबल सा फील आ जाता है उसके साथ में। एंड ऑल्सो ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी रखी जाती है विद अ मेटल बिल्ड। तो जब मैंने इस टैबलेट के बारे में सुना था कि ये अप्रॉक्सीमेटली मिड रेंज का टैबलेट रहेगा, मैंने सोचा था कि एक प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आएगा, लेकिन ये वाला उल्टा यहाँ पे मेटल बिल्ड के साथ में लेके आया था जहाँ पे पीछे तो मेटल है ही है लेकिन साइड में भी मेटल दिया जो कि इस टैबलेट को काफी ड्यूरेबल सी यहाँ पे क्वालिटी निकाल के दे देता है। डिस्प्ले के बारे में अगर बात करते हैं तो इस टैबलेट के अंदर हमें एक 2K IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है विद 1 बिलियन कलर्स। इस प्राइस सेगमेंट में जो अदर टैबलेट्स आते हैं वो यहाँ पे मोस्टली TFT पैनल के साथ में आते हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये जो डिस्प्ले है ना वो काफी अच्छे ब्लैक्स प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रही है। और एक टैबलेट को हम ना बहुत ज्यादा मीडिया कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, Amazon प्राइम पे अपनी फेवरेट मूवी देखने के लिए या फिर वेब ब्राउजिंग करने के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हो ना ऑनर ने यहाँ पे हमें TUV Rheinland फ्लिकर फ्री डिस्प्ले प्रोवाइड कराई। फ्लिकर फ्री मतलब यहाँ पे जो डिस्प्ले में आपने देखा होगा कैमरा से जब आप रिकॉर्ड करते हैं लाइन जाती रहती है तो वो डिस्प्ले की ना फ्लिकरिंग होती है, उसको यहाँ पे बिल्कुल हटा दिया है ऑनर ने ताकि आपकी आईज बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहें। उसके अलावा यहाँ पे लो ब्लू लाइट एमिशन भी करती है डिस्प्ले, इसका भी TUV सर्टिफिकेशन है यहाँ पे इस टैबलेट के पास में, तो आपकी आईज के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लॉन्ग आवर्स तक भी इसको यूज करते हैं। तो डिस्प्ले यहाँ पे A1 ग्रेड की रखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे हमें रीडिंग का अगर आप करते हैं टैबलेट के अंदर तो हमें एक रीडिंग मोड भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि यहाँ पे ब्लू लाइट को बिल्कुल ही खत्म कर देगा और डिस्प्ले को एकदम मतलब डिम सा कर देगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे एक आई कंफर्ट मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट और कम कर दिए इस आई कंफर्ट मोड ने। तो डिस्प्ले के फीचर्स तो यहाँ पे बहुत अच्छे निकल के आ ही रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ा 12 इंचेस का एरिया देखने के लिए मिल जाता है ना हमें इस टैबलेट का, उसका इस्तेमाल भी ऑनर ने बहुत अच्छे से करके रखा है, विच लीड्स मी टू द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ दिस टैबलेट जहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है ऑनर का मैजिक UI 6.1 ऑन द टॉप ऑफ लेटेस्ट एंड्रॉइड 12। तो एकदम लेटेस्ट मैजिक UI मिलती है और एकदम लेटेस्ट यहाँ पे एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाता है। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक एंड्रॉइड 13 लॉन्च नहीं हुआ है ना। यहाँ पे बड़ी डिस्प्ले के साथ में अपने मैजिक UI को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मल्टी विंडो मोड देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आप बहुत ही सीमलेसली स्विच कर सकते हैं बिटवीन द फुल स्क्रीन मोड टू द मल्टी विंडो मोड, जहाँ पे हमें ये फ्लोटिंग विंडो वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको फ्लोटिंग विंडो नहीं चाहिए और आपको स्प्लिट स्क्रीन चाहिए तो ये भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पे आप दो विंडोज यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्लोटिंग विंडो चाहिए तो मैक्सिमम 4 विंडोज आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग टैब में अलग अलग नोट्स अपने ओपन कर सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल यहाँ पे ये निकल के आ रहा है और मल्टीटास्किंग करना ना मतलब इस टैबलेट में बहुत ज़्यादा फन निकल के आ रहा है। ओवरऑल टैबलेट के लिए कस्टमाइज बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने के लिए मिल जाता है ऑनर का मैजिक UI 6.1 ऑन द टॉप ऑफ एंड्रॉइड 12। और सिर्फ यही नहीं, परफॉर्मेंस के पीछे यहाँ पे इसके प्रोसेसर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 680 जो कि एक ऑक्टा कोर मतलब एक 8 कोर वाला प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर के प्रोसेस में बिल्ड हुआ है। कैसा परफॉर्म कर रहे हैं प्रोसेसर वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 367 ऑन सिंगल कोर और 1410 ऑन मल्टी कोर, बहुत ज़्यादा डिसेंट स्कोर्स हैं। और मैं इस टैबलेट को अराउंड 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, 2 वीक्स की यूजेज में आज तक सिंगल ड्रॉप मेरे को नजर नहीं आया। मैं गेमिंग अपने टैबलेट में नहीं करता हूँ, लेकिन जितने भी प्रोडक्टिविटी वाले काम है जैसे यूट्यूब के कॉमेंट्स के रिप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स एडिट करना, नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, यहाँ पे आपके पास Google Docs है, Google Sheets है, Google के सारे सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे प्ले स्टोर भी देखने के लिए मिल जाता है प्री इंस्टॉल्ड इस टैबलेट के अंदर। एक्सेल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस टैबलेट के अंदर, एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के टाइप करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे सारे ही डॉक्यूमेंट सारी स्क्रिप्ट्स मैंने इसी वाले टैबलेट के अंदर लिखी है रिसेंटली जितनी मैंने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देता है और मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी लैग नहीं करती। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फन है और मज़े की बात यह है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं ना, आप अगर उसको मिनिमाइज़ करते हैं तो वो वहीं से चालू होगी, बिकॉज टैबलेट के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती है 6 GB की रैम। उसके अलावा यहाँ पे 2 GB का ऑनर रैम टर्बो भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इस फोन की स्टोरेज से 2 GB उठा के ऑनगोइंग प्रोसेस को स्टोर करने में लगा देगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड एज आई सेड, यहाँ पे बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो 7250 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ अ डिसेंट साइज। और स्नैपड्रैगन 680 के साथ में कंबाइन होकर, जो कि एक 6 नैनोमीटर का पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ हमें टैबलेट निकाल के दे रहा है, जो कि अराउंड 8 to 10 आवर्स निकल के आ रही है। और नॉर्मल यूजेज अगर आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन अगर इंटरनेट का कंजम्पशन ज़्यादा है तो भी 6 to 7 आवर्स आराम से ये टैबलेट आपका लास्ट कर जाएगा। तो बैटरी लाइफ तो अच्छी रखी ही गई है, लेकिन चार्जिंग भी यहाँ पे फास्ट है। 22.5 वाट का यहाँ पे चार्जर देखने के लिए मिल जाता है Type-C के थ्रू, तो ईजिली यहाँ पे टैबलेट अराउंड 1.5 आवर में चार्ज हो जाता है। अब दोस्तों, टैबलेट्स को आप बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज़ के लिए परचेज करते हैं या फिर टीचर हैं वो भी टैबलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैमरास की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमें 2 कैमरास देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों का ही रिजोल्यूशन 5 MP है, पीछे वाले का भी और आगे वाले का भी। तो अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आगे वाला कैमरा यूज करेंगे। वीडियो के लिए यहाँ पे ऑनर ने एक फीचर प्रोवाइड कराया, जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होंगे तो अपने AI बेस्ड एल्गोरिदम से यहाँ पे ट्रैक कर लेगा, और जो आपकी ऑडियो पिक आएगी वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर आएगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और पीछे 5 MP का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि कैसा परफॉर्म करता है वो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डिसेंट पिक्चर्स निकल के आ रही है यहाँ पे। अगेन, एक टैबलेट बहुत ज़्यादा कैमरा सेंट्रिक नहीं होता, जहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर टैबलेट में ऑनर ने बहुत ज़्यादा फोकस करा है ऑन द स्क्रीन एंड ऑन द साउंड। साउंड की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 8 स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं हमें इस टैबलेट के अंदर, जो कि DTS X सराउंड साउंड को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रिल्स हैं, इसके अंदर 8 स्पीकर्स हैं, 4 फॉर स्टीरियो साउंड और 4 यहाँ पे अच्छे बेस के लिए। कैसा यहाँ पे ये वाले स्पीकर साउंड कर रहे हैं वो आप अपनी नेक्स्ट फुटेज में देख सकते हैं। 50 MP का वाइड एंगल सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक मैक्रो कैमरा की तरह भी एक्ट करता है। मतलब सेम सेंसर अगर आप पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे मैक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रिकॉर्ड हो रही है ऑनर 70 के रियर फेसिंग कैमरा। दोस्तों, ये था ऑनर टैब 8। मैं इसको एक ऑलराउंडर मिड रेंज टैबलेट का टैग देना चाहूंगा, बिकॉज बहुत ही अच्छा मल्टी स्क्रीन कोलैबोरेशन है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, डिस्प्ले यहाँ पे मतलब अमेजिंग फील करती है, साउंड काफ़ी अच्छा रखा गया है, कैमराज यहाँ पे एवरेज निकल के आ रहे हैं, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। लेकिन प्राइस को कंसीडर करते हुए दोस्तों, सारी चीज़ें जो ये पैड प्रोवाइड करा रहा है ना, इंक्लूडिंग द बिल्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम निकल के आ रही है, वो बहुत सही है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 20,000 इंडियन रुपीज़ तक की, या फिर आप AED मतलब दिरहाम की करेंसी में 950 माने या 1000 भी माने इस टैबलेट को, तो काफ़ी अच्छा ये टैबलेट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। एंड विद दैट सेड दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।